तो गुलाब का पौधा एक परमानेंट पौधा होता है, जिसमें अगर हम उसके अच्छे से केयर करें और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे कंपोस्ट देते रहें तो लगभग साल भर इसमें फूल आता रहता है। ये देखिए मेरा जो गुलाब का पौधा है, इसमें आप देख सकते हैं अभी नई ग्रोथ, और नई ग्रोथ में कलियाँ भी नई नई बन रही हैं। बाकी आप फ्लावर्स देख सकते हैं जो पुराने हो गए हैं तो मुरझा रहे हैं, और नई कलियाँ लगातार बनती जा रही हैं। पर हमारी कुछ गलतियां या फिर कुछ ना समझी, जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है और हम उसकी केयर ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ रुकने की वजह से उसमें फ्लॉरिंग आना बंद हो जाती है। क्योंकि हमेशा फूल नई ग्रोथ पे आती है, जो पुरानी ब्रांचेज होती हैं उसमें कोई भी फूल नहीं बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों से कैसे इसकी केयर करना है, कैसे इसमें नई ग्रोथ आएगी और उस नई ग्रोथ में ढेर सारे फूल बनेंगे सभी सीजन में, चाहे वो मानसून सीजन हो, बारिश का मौसम हो, सर्दियां हो, गर्मियां हो, सब में बरसा गुलाब के पौधे में आपके फूल आते रहेंगे। तो वीडियो में हम आगे इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो गुलाब को पसंद है जिसको हमें करना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो गुलाब को बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे में ग्रोथ अच्छी हो, नई ग्रोथ हो, जिसमें कलियाँ ढेर सारी बनती रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों गुलाब के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, पहली वो होती है उसकी जो सॉयल होती है। हमें मिट्टी जो है वेल ड्रेन तो हम हमेशा बताते हैं कि रखनी चाहिए, पर गुलाब को एसिडिक मिट्टी ज़्यादा पसंद है, तो हमें कोई भी ऐसी कंपोस्ट नहीं यूज करनी है जो गुलाब की मिट्टी को, गमले की मिट्टी को क्षारीय करे। जैसे हम राख का यूज करते हैं तो गुलाब के पौधे में हमें राख का यूज नहीं करना है। एंटी फंगल उसमें आप हल्दी का यूज कर लीजिए, फंगीसाइड पाउडर का यूज कर लीजिए, या फिर नीम खली तो हम यूज करते हैं, पर राख नहीं यूज करना है क्योंकि वो मिट्टी को क्षारीय बनाती है। तो ऐसी जो कंपोस्ट है जो मिट्टी को क्षारीय बनाती है उनको हमें अवॉइड करना है गुलाब के पौधे में। दूसरी चीज दोस्तों गुलाब के पौधों को हमें रखना कहाँ है? तो हर मौसम में इसके लिए आपको इसकी जो नियमित तौर पर इसको धूप चाहिए उसका खास ख्याल रखना है। जब गर्मियां बहुत ज़्यादा होती हैं तो धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी पत्तियां जलने लग जाती हैं, जो कि मैं अपने पुराने वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो उसमें ऐसे में हमें गुलाब को ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह से करीब 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की धूप इस पौधे को मिले, उससे ज़्यादा जो तपती धूप है वो ना मिले, जिससे कि इसकी पत्तियाँ सनबर्न ना हो और पौधे में जो ग्रोथ है वो रुके नहीं, पौधा ड्राई ना हो। दूसरी चीज़, जब बारिश आता है तो आप इसे पूरे ओपन प्लेस में रखिए, जिससे बारिश का पूरा पानी इसकी मिट्टी में जाए, उसमें पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तीसरी, जब सर्दियां होती है तो इसे आपको फुल डे सनलाइट देना है, क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत तेज़ नहीं होती है, तो सर्दियां धूप गुलाब जो है सर्दियों को पसंद करता है, और उसमें काफ़ी अच्छे से जो फ्लावर्स खिलते हैं बहुत अच्छे से खिलते हैं, नेचुरली फ्लावर खिलते हैं। फिर दोस्तों जो भी मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि गुलाब में कभी भी जो फूल बनते हैं वो हमेशा नई ग्रोथ, जो नई ग्रोथ आती है उसी में कलियां आती हैं, उसी में फूल बनते हैं। तो पुरानी जो कलियां हैं इनकी डेड हेडिंग प्रूनिंग समय समय पे करते रहना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो हमारा पौधा आपको दिख रहा है इसमें ढेर सारे फूल बने हुए हैं और फूल वो ड्राई हो रहे हैं, तो हम इसकी करते हैं प्रूनिंग। अब बात ये भी रखना है ध्यान कि प्रूनिंग करने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, कि आपने जैसे ये मेरा फ्लावर सूख गया, मैंने यहाँ से इसे हटा दिया, अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से जो मैंने इस फ्लावर को हटा दिया तो यहाँ से नई कोई ग्रोथ निकल के नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप गुलाब के फूल को यहाँ से हटा रहे हैं तो नीचे की जो दो लीव्स हैं उसके नीचे से आप इसकी प्रूनिंग करें, जिससे कि यहाँ से नीचे से जो नोड है, जो पत्तियाँ हैं, वहाँ से फिर इसकी नई ग्रोथ निकल के आएगी। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, जो जितनी भी डेड हेडिंग कर रहे हैं या फिर जो ड्राई ब्रांचेज हैं जिसमें आप देख रहे हैं बहुत लंबे टाइम से उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसको आप थोड़ी नीचे से कट कर दे, जिससे कि वहां से नई ग्रोथ निकल सके। जितनी नई ग्रोथ होगी उतने ही ज्यादा फ्लावर्स आएंगे। तो हम इस पौधे की जो भी डेड हेडिंग है वो कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने सारे डेड हेडिंग्स कर दी, जितने भी ड्राई फ्लावर्स थे या जो ड्राई ब्रांचेज हो रही थी जिनमें ग्रोथ नहीं आ रही थी वो सब हमने हटा दिए। अब आप देखिए इसमें जो नई ग्रोथ आ रही है बस उन्हीं ब्रांचेज को हमने छोड़ रखा है। तो ये गुलाब के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए बहुत ही जरूरी स्टेप है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो पौधे में बेसल सूट्स होते हैं उनकी मात्रा हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है, क्योंकि जो बेसल सूट्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊं एक मिनट। तो दोस्तों जिस बेसल सूट की हम बात कर रहे हैं वो जो ग्राफ्टेड एरिया होता है हमारे गुलाब के पौधे की, उस ग्राफ्टेड नोड के जस्ट ऊपर से निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जितने भी आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं ये सारे के सारे वेजल सूट्स हैं। इनमें क्या होता है, ये मजबूत होती हैं, मैच्योर होती हैं, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इनमें से फ्लावर्स आते हैं वो बहुत अच्छे फूल निकल के आते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा हैवी वेसल सूट्स होंगी आपके पौधे में उतना ही पौधा आपका घना होगा और उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्लावर्स होंगी। तो वेसल सूट्स कैसे बढ़ती हैं, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करें,
तो ये जो ग्राफ्टेड एरिया है, ये नोड है, ये मिट्टी से करीब आधा से एक इंच ही ऊपर रहना चाहिए, मिट्टी के अंदर भी नहीं होना चाहिए और मिट्टी से बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ऊपर होगी तो इसमें वेसल सूट्स बहुत कम आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों ही पौधों में काफ़ी अच्छे से वेसल सूट्स आई हैं और इन जितनी वेसल सूट्स हैं वो काफ़ी मैच्योर आपको दिखाई देंगी। तो इसकी वजह से पौधे में फूल की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको ध्यान रखना है कि हमेशा मिट्टी में आप वेसल जो ग्राफ्टेड एरिया है वो मिट्टी से एक इंच ऊपर उठा के लगाएं, मिट्टी में दबनी नहीं चाहिए और मिट्टी से बहुत ऊपर भी नहीं उठनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो मिट्टी की हमें हर 10 से 15 दिन पे गुड़ाई करनी है, वो इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो बाउंड होती हैं, उनमें ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो रूट की ग्रोथ जब रुकती है तो पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है रूट की जो है ग्रोथ को बढ़ाना। अगर रूट की ग्रोथ अच्छी होगी तो पौधे में नए ग्रोथ आते रहेंगे। तो उसके लिए हमें करना है मिट्टी की गुड़ाई। अब दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद इसमें हमें देना है कंपोस्ट। जो कंपोस्ट हम यूज करेंगे वो होगी इसकी रूट की ग्रोथ अच्छी से हो। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी कंपोस्ट होता है दोस्तों वो होता है ह्यूमिक एसिड। ये इस प्रकार से जो ह्यूमिक एसिड होता है ये रूट की ग्रोथ को एनहेंस करता है। तो हमें महीने में एक बार इस प्रकार से कुछ ग्रैनुअल्स ह्यूमिक एसिड के आप गुलाब के जो मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें डाल दीजिए और मिट्टी में इसे दबा दीजिए। इसके साथ साथ हमें और भी कुछ चीज़ें देनी है जो रेगुलर हमें महीने में एक बार ज़रूर देनी होती है, क्योंकि गुलाब जो होता है दोस्तों हैवी फीडर होता है। तो हैवी फीडर होने के नाते चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी दिन तक फ्लावर्स टिके होते हैं, तो उनके लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट साथ में नीम खली और बोन मील। इन तीनों का मिक्स हम अपने गुलाब के पौधे में महीने में एक बार जरूर देंगे, जिससे कि इसे किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और इसमें कोई डिफिशियंसी ना आए, बीमारी ना पैदा हो। तो इस प्रकार से देखिए हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है और दो मुट्ठी एक गमले में हम इसको दे देंगे। और देने के बाद ये जो कंपोस्ट हमने दी है इसको देने के बाद इसमें हम कर देंगे वाटरिंग। वाटरिंग करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारी कंपोस्ट जो है वो मिट्टी में अच्छे से मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये कंपोस्ट दे दिया, इसे तैयार हो गई। अब बात करते हैं फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए, नई कलियां बने और कलियों की साइज काफी अच्छी हो, इसके लिए जो हमें चीजें देनी है वो है हमारी होममेड। ये देखिए दो चीजें हमने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं। और ये दो चीजें क्या है मैं आपको दिखा दूं। एक जगह हमने बनाना पील और ऑनियन पील का लिक्विड कंपोस्ट बना रखा है, जो 24 घंटे पहले हमने एक लीटर पानी में बनाना पील, दो बनाना और एक प्याज के छिलके को भिगा दिया था। और साथ में हमने यहाँ आधे लीटर पानी में चाय की पत्ती को भिगा के रखा हुआ। आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को हम छान लेंगे किसी बर्तन में। चाय की पत्ती, आप चाय की पत्ती के साथ जो चाय की पत्ती का कंपोस्ट है इसे चाय की पत्ती के साथ भी यूज कर सकते हैं। और ये रहा हमारा बनाना पील फर्टिलाइजर। इसमें दोस्तों फास्फोरस और पोटेशियम काफी रिच मात्रा में होती है, साथ में आयरन, जिंक, ये सारी चीजें भी मिल जाती हैं, जिससे कि गुलाब के पौधे को जो फास्फोरस की कमी होती है ना, ज्यादा से ज्यादा फूल प्रोड्यूस करने के नाते इसमें फास्फोरस की मात्रा काफी अच्छी चाहिए होती है इसे, तो ये हमारी उन कमी को पूरी कर देगा। अब दोस्तों इसमें हमने आधा लीटर करीब और पानी ऐड कर लेना है और अपने गुड़ाई किए हुए गुलाब के पौधे में इस लिक्विड फर्टिलाइजर को महीने में एक बार आप अगर देते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको अपने गुलाब के पौधे में देखने को मिलने लगेगा। ये सारी चीजें होने के बाद दोस्तों आपको करना एक जो कीड़े आते हैं या फिर एफिड्स आते हैं या इंसेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है इस पे, जिससे कि जो एफिड्स हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं इंसेक्ट्स हैं उससे ये पौधा फ्री रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करता रहेगा।